Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 16th lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from COMSAT's Institute of Information Technology virtual campus. Right, so it's our 16th lecture and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we talked about cyclic notation, transpositions and even odd permutations and a bit more. Okay, so what are we doing? We are talking about permutation groups and we are about to finalize all the concepts on permutation groups. So you should be very familiar now with permutation groups. So hum permutation groups ki baat kar rahe hain और परम्यूटेशन ग्रुप्स में हम लोगों ने अभी तक परम्यूटेशंस की बात कर ली, ग्रुप्स की बात कर ली और इसी तरह बहुत सारी दूसरी नोटेशंस की. तो हमारे पास परम्यूटेशंस थी, उनका हमने ग्रुप बनाया. परम्यूटेशंस किसी भी सेट की हमने ली, उनको एक सेट में रखा. और अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है तो उस सेट को हमने SN कहा. ओके, तो SN क्या है? सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस of a set with n elements. Okay, so एक set की सारी की सारी permutations हमने एक set में रखी. अगर set finite है तो अगर let's say उसमें n elements हैं तो उसकी set of permutations को हमने SN कहा. फिर उसके ऊपर हमने एक binary operation define किया, right? एक binary operation उसके ऊपर define किया और set है, एक binary operation है. जो हमारा binary operation है permutations के set के ऊपर वो ग्रुप की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. तो हमारे पास जो सेट ऑफ परम्यूटेशंस है वो एक ग्रुप है, राइट? तो हमारे पास हमने ये काफी बार अब ये हम देख चुके हैं कि SN जो है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज अ ग्रुप. ठीक है, तो हमने SN की बात की, ये एक ग्रुप है, राइट? इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, जैसे S3 की एग्जांपल हमने देखी, S1 से स्टार्ट किया, S2 की एग्जांपल देखी और S3 की. फिर हमने S4 की थोड़ी सी बात की लेकिन इस एग्जांपल को हमने कंप्लीट नहीं किया. तो S1, S2, S3 जो है हमारी, हमने कंप्लीट एग्जांपल्स किए हैं इस ग्रुप की. S4 का मैंने आपको कहा कि ये सिमिलर एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें सिर्फ ये एक डिफरेंस है कि परम्यूटेशन जो हैं वो 24 हैं, राइट? तो सारी परम्यूटेशंस लिखना शायद फिजिबल नहीं है, तो इसलिए हमने इसको कंप्लीट नहीं किया था. लेकिन इसको कंप्लीट किया जा सकता है, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है. ओके, तो हमारे पास ग्रुप है SN जो है सारे ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, राइट? तो SN में अगर सेट फाइनाइट है तो ये ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस है ऑफ अ फाइनाइट सेट, राइट? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो SN हो गया हमारे पास, ये फाइनाइट है. SN को हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, राइट? सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है. आज हम इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे, सिमेट्रिक ग्रुप्स को और परम्यूटेशन ग्रुप्स को. तो मैं आपको दोबारा एक फ्लेवर दे रहा हूँ, मैंने आपको कई दफा बता चुका हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा फ्लेवर दे के फिर इस टॉपिक को फिनिश कर दूंगा. तो होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा कि जिन ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप्स एग्जैक्टली हैं क्या. तो SN जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप, इसको कहते हैं. अगर इन जनरल हमारे पास हो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन, लेट्स से S उसको कहें, तो फॉर एनी ए, फाइनाइट होना जरूरी नहीं है, एनी ए, तो इसको भी हम यूजली सिमेट्रिक ग्रुप ही कह देते हैं. तो SN भी हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है और S भी हमारे पास, इसको भी सिमेट्रिक ग्रुप ही कह देते हैं हम. तो लेकिन SN के लिए हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसको कह देते हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप है ऑफ n लेटर्स, राइट? ओके, सो S1, S2, S3, S4, सो वी बेसिकली हैव, फॉर S1 वी हैव 1 एलिमेंट, S2 हैज 2 एलिमेंट्स, S3 हैज 6 एलिमेंट्स, S4 हैज 24 एलिमेंट्स, राइट? सो इन जनरल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट SN विल हैव n फैक्टोरियल एलिमेंट्स. ओके, n factorial elements. Okay, and हमारे पास ये groups आ गए SN. तो अब
हमने फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने देखा कि ये ग्रुप्स जो हैं इनके ये परम्यूटेशंस के ग्रुप्स हैं, तो हमने कहा कि कोई और भी परम्यूटेशंस के ग्रुप हो सकते हैं या सारी की सारी परम्यूटेशंस ही हमें लेने पड़ेंगी फिर ही ग्रुप बनेगा। तो इसमें फिर हमने बात की कि डायहेड्रल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, हमने इसको सिमेट्रिक ग्रुप कहा है, राइट। तो अब सिमेट्रिक ग्रुप है तो सिमेट्रिक मीन्स सिमेट्रीज, अगर हम किसी सर्टन ऑर्डर में हम चीज़ों को चेंज करें तो हमारे पास लेट्स से वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। जैसे हमने कहा कि डायहेड्रल ग्रुप की हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि एक ट्रायंगल लें आप जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो और उसके अंदर तीनों एंगल्स भी सेम हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने ये करना है कि उसकी सारी की सारी आप सिमेट्रीज एक सेट में लिख दें। आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं लेट्स से 1, 2, 3, ओके, तीन वर्टिसेज हैं ट्रायंगल के, 1, 2 और 3, राइट। अब आपने क्या करना है, इसकी सारी सिमेट्रीज फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया कि इसकी तीन रोटेशनल सिमेट्रीज हैं और तीन रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं, राइट। आपने ये 6 की 6 सिमेट्रीज आप एक सेट में रखें, तो आप इस सेट को S3 के साथ कंपेयर करें, तो आपने देखा कि ये सेट ऑफ सिमेट्रीज और सेट ऑफ परम्यूटेशंस यानी S3 एक ही सेट है। तो बेसिकली S3 फिर क्या हुआ, S3 जो है वो है सेट ऑफ ऑल और ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज को हमने फ्लिप्स भी कहा है, राइट। तो ये हमारे पास ग्रुप हैं S3 लेट्स से, और इसी को हमने D6 भी कहा था। तो हमने इन जनरल डायहेड्रल ग्रुप को D2n कहा था। तो डायहेड्रल ग्रुप हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर n-gon, ओके। रेगुलर n-gon की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि रेगुलर n-gon क्या है, n-gon क्या है, एक फिगर जिसमें n एंगल्स हैं, राइट, सॉरी, एक फिगर जिसमें n साइड्स हैं, ओके। तो आप कोई भी फिगर लें लेट्स से 5 साइड्स की, तो एक पेंटागॉन आ जाएगा, और 6 साइड्स की आप लें, और इसी तरह आप n साइड्स की आप एक फिगर ले सकते हैं, राइट। तो आपने n साइड्स की फिगर लें, तो इस फिगर को हम n-gon कहेंगे। इस फिगर को रेगुलर n-gon तब कहेंगे जब इसकी सारी की सारी साइड्स सेम हो, उनकी लेंथ सेम हो और इनके दरमियान जो एंगल बन रहे हैं वो भी सेम हो, ठीक है। तो हमारे पास एक रेगुलर n-gon अगर आप लें, उसकी सिमेट्रीज फाइंड करें, कौन सी सिमेट्रीज, रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज, ओके। एक किसी भी रेगुलर n-gon की रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज आप फाइंड करें, उनको एक सेट में लिखें, तो वो सेट आपके पास एक ग्रुप बनाएगा, ओके, और उस ग्रुप को हम डायहेड्रल ग्रुप कहते हैं। तो हमारे पास 2n इसलिए हमने लिखा है, ट्राइंगल हमारे पास तीन उसके वर्टिसेज हैं या तीन साइड्स हैं, और उसकी टोटल सिमेट्रीज जो हैं वो 6 हैं, तो 3 × 2 = 6, राइट। और इसी तरह हमने स्क्वायर लिया था, स्क्वायर में 4 वर्टिसेज या 4 साइड्स हैं, और उसकी टोटल सिमेट्रीज जो हैं वो 8 आएंगी, 4 रिफ्लेक्शन और 4 रोटेशनल, राइट। तो हमारे पास इसको हमने D8 कहा था। तो इन जनरल अगर हमारे पास एक n-gon है जिसकी n साइड्स हैं, तो उसकी टोटल सिमेट्रीज जो हैं वो 2n आएंगी, उसमें से n रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी और n रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होंगी। तो D2n में आपने क्या रखना है, रेगुलर n-gon की रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज, राइट। तो जब आप वो एक सेट में रखेंगे तो वो सेट आपके पास ग्रुप बनाएगा। ये हम सारी चीज़ें चेक कर चुके हैं, हम जस्ट आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। तो ये D2n जो है ये ग्रुप बनाएगा, इसको हम डायहेड्रल ग्रुप कहेंगे, राइट। तो इसमें हमने एग्जांपल्स देखी D3 की और D6 की, राइट। तो इसी तरह अगर आपके पास सॉरी डी डी सिक्स की हमने एग्जांपल देखी और D8 की एग्जांपल देखी। अब इसके अलावा अगर आप कहें कि इससे कम वाले डी क्या होंगे, लेस जैसे D4 हो सकता है, वेल आप हमने कोई फिगर ली हुई है, n-gon ली हुई है, राइट। सो एक रेगुलर 2-gon क्या होगी, इसकी कोई कोई ऐसे सेंस नहीं बनती, उस कोई टू साइड्स वाली कोई क्लोज फिगर हमें नोन नहीं है, राइट। तो इसलिए हम जब भी डायहेड्रल ग्रुप की बात करते हैं
तो हम n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही लेंगे, तो इसी के लिए डायहेड्रल ग्रुप की मेन सेंस बनती है। तो ये हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप हो गया जो कि ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है ऑफ अ रेगुलर n गॉन। ओके, तो हमने सिमेट्रिक ग्रुप फाइंड कर लिया, डायहेड्रल ग्रुप फाइंड किया कर लिया। डायहेड्रल ग्रुप हमें ये बता रहा है कि एक तो जो सिमेट्रिक ग्रुप है इसमें वर्ड सिमेट्रिक की एक्चुअल में सेंस बनती है, दूसरा डायहेड्रल ग्रुप हमें ये क्या बता रहा है कि हमें किस जब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करना है तो हमें सारे के सारी जो हैं परम्यूटेशंस लेने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर आप सारी की सारी परम्यूटेशंस लेंगे तो वो तो डेफिनेटली ग्रुप बनेगा, लेकिन उसमें से कुछ परम्यूटेशंस लेके भी आप उसको ग्रुप बना सकते हैं, राइट। तो डायहेड्रल ग्रुप के बाद हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि हमारे पास जो नोटेशन है ग्रुप्स को लिखने की, परम्यूटेशंस को लिखने की, वो नोटेशन थोड़ी सी हमारे पास लॉन्ग है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है इन सम सेंस। अब हमारे पास अगर आपने एक परम्यूटेशन है, लेट्स से मैं S3 की बात कर रहा हूँ, ग्रुप मेरे पास S3 है, राइट। इसमें एक परम्यूटेशन है हमारे पास लेट्स से Rho1, राइट। तो Rho1 को मैंने क्या कहा हुआ है, 1, 2, 3 और 3, 1, 2, ठीक है। तो ये आपके पास एक रोटेशनल सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग एक परम्यूटेशन है। तो Rho1 ये है हमारे पास। अब Rho1 ये टू लेट्स से लाइंस में आपकी एक नोटेशन है, आपने ऊपर सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं और आपने नीचे जो है वो एलिमेंट जिसके ऊपर मैप हो रहे हैं, यानी जो नई परम्यूटेशन आप फाइंड कर रहे हैं वो लिखेंगे। अब हमने कहा कि इस नोटेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, दो तीन पर्पज हैं। एक पर्पज तो ये है कि ये नोटेशन इटसेल्फ सिंप्लीफाई हो जाए, हमारे पास कोई ज़्यादा बेहतर नोटेशन आ जाए जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो लेकिन हमें लेट्स से लिखने में भी आसानी हो। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पज़ था, वो पर्पज़ ये था कि हमने कुछ नए सब ग्रुप्स फाइंड करने थे SN के, राइट। कोई नए बहुत स्पेशल सब ग्रुप्स फाइंड करने थे SN के। तो हमने क्या किया, हमने एक नोटेशन डिफाइन की जिसको हमने साइकिल कहा, ठीक है। अब साइकिल क्या है, साइकिल एक परम्यूटेशन है लेकिन वो परम्यूटेशन थोड़ी सी स्पेशल है। वो इस तरह कि हमारे पास एक लेट्स से साइकिल हम इस तरह डिफाइन करते हैं K1 K2 अप टू सो ऑन K लेट्स से R। तो ये हमारे पास एक साइकिल है। अब ये साइकिल क्या है, ये तो जस्ट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हमें ये परम्यूटेशन अगर मैं साइकिल को कह रहा हूँ तो इस साइकिल को मुझे ये बताना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस पे किस एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है, राइट। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और हमारे पास जो एलिमेंट्स इस साइकिल में नहीं है उनका क्या हो रहा है। जैसे हमारे पास ये अगर SN में हमारे पास एक साइकिल हो तो R तो एलिमेंट्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो N है, तो बाकी एलिमेंट्स किधर गए, राइट। तो अब ये साइकिल जो है इसका मतलब ये है कि K1 जो है वो K2 के ऊपर मैप हो रहा है, K2 K3 के ऊपर मैप हो रहा है और इसी तरह अप टू सो ऑन KR जो है वो वापस K1 के ऊपर मैप हो रहा है, ठीक है। तो ये साइकिल नोटेशन का मतलब है। ओके, तो इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स का क्या होगा जो इस साइकिल में अपीयर नहीं हो रहे, the elements which are not present, in the cycle are fixed, ठीक है। तो अगर for example एक element है KS जो इसमें नजर नहीं आ रहा, तो KS जो है ना वो फिर KS के ऊपर ही मैप होगा। अगर वो इस साइकिल में मौजूद नहीं है तो इस साइकिल में फिर वो फिक्स है, वो KS के ऊपर ही मैप होगा, राइट। तो ये मतलब है जब हम साइकिल की नोटेशन को लिखते हैं। अब साइकिल की जब हमने नोटेशन लिख दी तो ये साइकिल की नोटेशन जो है ये हमें बता रही है एग्जैक्टली
कौन से एलिमेंट्स किसके ऊपर मैप हो रहे हैं, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी की सारी इस वन लाइन नोटेशन में मौजूद है. तो हमें जो मोर कॉम्प्लेक्स नोटेशन है म्यू ऑलरेडी रो वन की, जिसमें हमने दो लाइंस में लिखा, पहले सेट के एलिमेंट्स को लिखा, फिर उसके ऊपर हमने ये लिखा कि वो एलिमेंट्स कहाँ मैप हो रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एग्जैक्टली इसी से पता चल रहा है कि कौन से एलिमेंट्स किस पे मैप हो रहे हैं, राइट. तो ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट नोटेशन है, इससे लत से हमारी कुछ स्पेस भी सेव होती है, और इसके अलावा हमें लत से लिखना भी कम पड़ता है. लेकिन ये मेन पर्पज़ नहीं है, राइट. ये मेन पर्पज़ नहीं है इस नोटेशन को डिफाइन करने का. जैसे आपको ऑलरेडी पता है, हम ये रिपीट कर रहे हैं जस्ट. ओके, तो हमारे पास ये रो वन एक परमुटेशन है, राइट. सो रो वन एक परमुटेशन है हमारे पास. तो ये परमुटेशन कैसी है, 1 2 3 और 3 1 2. ओके, इस परमुटेशन को अगर मैं लेट से एक साइकिल की फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी, हमने ये चीज़ें की हुई हैं कि हमने फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है और देखना है वो किस एलिमेंट पे मैप हो रहा है. वन जो है वो थ्री पे मैप हो रहा है. अब थ्री को चेक करना है, थ्री किस पे मैप हो रहा है? थ्री जो है वो टू के ऊपर मैप हो रहा है. टू को चेक करें, टू वन के ऊपर मैप हो रहा है. तो लास्ट एलिमेंट फर्स्ट के ऊपर आ गया, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड के ऊपर मैप हो रहा है, सेकेंड जो है वो थर्ड के ऊपर मैप हो रहा है. तो ये एक साइकिल बन गया. तो ये परमुटेशन थी रो वन, इसको मैंने एक साइकिल की फॉर्म में लिख दिया, राइट. तो ये हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक नोटेशन की फॉर्म है. फिर हमने एक रिजल्ट देखा कि हर परमुटेशन जो है कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकल्स. ठीक है, तो क्या हमने कह रहे हैं कि जो भी आप परमुटेशन लेंगे उसको आप डिसजॉइंट साइकल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. डिसजॉइंट साइकल्स क्या हैं? दो साइकल्स डिसजॉइंट होंगे अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, राइट. तो जैसे हमारे पास एक साइकिल ये 1 3 2 है, तो मैं एक और साइकिल लेता हूँ, लेट्स से 1 2. तो अब ये साइकिल तो ऑफकोर्स डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इनमें तो सारे एलिमेंट्स ही आपस में कॉमन है. ओके, तो एक लेट्स से डिसजॉइंट साइकिल की एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, तो एस फोर में अगर आप दो साइकिल्स लें, 1 2 और 3 4. अब ये दो साइकिल्स हैं, लेकिन ये दोनों डिसजॉइंट भी हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है. तो दो साइकिल्स डिसजॉइंट होंगे अगर उनमें आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. तो हर परमुटेशन जो है उसको आप लिख सकते हैं साइकिल्स की फॉर्म में, साइकिल्स डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, राइट. तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये टू लाइन की जो परमुटेशन नोटेशन है इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि हम सिर्फ साइकिल्स के साथ अगर वर्क करें तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहां पे मौजूद है. तो आपको फिर मैंने बताया कि S3 की साइकिल फॉर्म में क्या नोटेशन होगी, वो उनको उनके एलिमेंट्स किस फॉर्म में आएंगे, और इसी तरह गालिबन हमने D8 के लिए भी ये किया था. ओके, सो हम S3 की साइकिल नोटेशन फिर लिख लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या हो रहा है, राइट. तो S3 की जो हमारे पास साइक्लिक नोटेशन थी, आपको शायद याद होगा कि ये नोटेशन आई थी, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट था, यानी आइडेंटिटी परमुटेशन थी, और उसकी साइक्लिक नोटेशन भी हमने लिखी थी, लेकिन उसको हम यूजली लिखते नहीं हैं. तो साइक्लिक नोटेशन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट की ये आई थी. ओके, सो 1 2 और 3, मतलब तीन साइकिल्स हैं, 1 1 के ऊपर मैप हो रहा है, 2 2 के ऊपर मैप हो रहा है, और 3 3 के ऊपर मैप हो रहा है. तो आइडेंटिटी आई थी, इसके बाद हमने लिखा था 1 3 2. ओके, कॉमर्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है. 1 2 3, फिर इसके अंदर हमारे पास आया था 2 3, 1 3 और 1 2. ये 6 एलिमेंट्स हैं S3 के. अब इनको आप इजीली अगर आप याद भी इवन करना चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं कि S3 में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं,
तो इसलिए हमें हमें अब इसकी एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन हो गई है कि S3 में ये एलिमेंट्स हैं, याद करना चाहें तो भी आसानी से याद किए जा सकते हैं कि ये एलिमेंट्स आएंगे. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि S3 के एलिमेंट्स को आपको एटलीस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इजीली लिख सकते हैं कि वो एलिमेंट्स कौन से हैं, राइट. सो हमने परम्यूटेशन ही करनी है तीन एलिमेंट्स की. इसी तरह परम्यूटेशन के किसी भी ग्रुप की एलिमेंट्स को आपको रिमेंबर करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इजीली खुद से अगर आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं, राइट. तो S3 हमारे पास ये ग्रुप है, इसके अंदर ये छः एलिमेंट्स हैं और ये छः एलिमेंट्स एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स हैं जो परम्यूटेशन के हैं, राइट. हमने सिर्फ इनकी नोटेशन चेंज किया और इनको साइकिल्स की फॉर्म में लिख दिया. अब ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए हैं और हमें इन्फॉर्मेशन हमारी कोई भी लॉस्ट नहीं हुई, हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टिल यहाँ पे भी मिल रही है, राइट. ओके, तो इसके बाद हमने बात की कि अब साइकिल जो है उसकी लेंथ क्या होती है. लेंथ साइकिल की होती है कि जितने उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आप काउंट कर लें, वो उसकी लेंथ है. जैसे आपने ये थर्ड वाला यहाँ पे लिया, तो सॉरी सेकेंड एलिमेंट जो है इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, राइट, 1, 3 और 2. तो इस साइकिल की लेंथ 3 है. नेक्स्ट वाले साइकिल की लेंथ 3 है, इस साइकिल की लेंथ 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 2. फिर हमने डिफाइन किया कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है. तो ट्रांसपोजिशन क्या थी, ट्रांसपोजिशन हमारे पास ये थी कि साइकिल ऑफ ऑफ लेंथ 2, जो लेंथ 2 का साइकिल है उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं. तो इस सेट में अगर आप देखें तो तीन ट्रांसपोजिशन है और दो हमारे पास ऐसे हैं जो ट्रांसपोजिशन नहीं है. तो ये 2, 3 एक ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन है, 1, 3 भी ट्रांसपोजिशन है, 1, 2 भी ट्रांसपोजिशन है. तो साइकिल्स हैं सिर्फ उनकी लेंथ 2 है. अब इनके बारे में क्यों, क्या स्पेशल है जो हम इनको अलग से नाम दे रहे हैं और इनकी अलग से डेफिनेशन दे रहे हैं. इनके बारे में ये चीज़ स्पेशल है, मैंने आपको बताई थी कि जो भी आप साइकिल लेंगे, जो भी साइकिल लेंगे उसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं, राइट. ये आपको करके भी बताया था, लेकिन ये इन जनरल नोन है कि एवरी साइकिल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, राइट. तो हर साइकिल को आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं, राइट. अब इसमें ये सारी की सारी आपको ऑलरेडी पता है कि ये फाइनाइट ग्रुप्स के लिए बात हो रही है, SN के लिए बात हो रही है, इसलिए आपको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है. SN के लिए बात हो रही है सारी, राइट. तो एवरी साइकिल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ओके. तो अब हमारे पास अगर ये साइकिल हो A0, A1, A2, up to so on, A, let's say N, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कैसे लिखेंगे. इसकी एक तरीका ये है, सॉरी, ए नॉट को ए वन से कर लें पहले तो बेहतर रहेगा. ए नॉट ए वन, ए नॉट ए टू और ए नॉट ए थ्री और कीप गोइंग और ए नॉट ए एन. तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ओरिजिनल साइकिल है उसको स्मॉलर साइकिल्स में लिख रहा हूँ, ट्रांसपोजिशंस में लिख रहा हूँ, राइट. कैसे लिख रहा हूँ, जो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा उसको उसकी मैं ट्रांसपोजिशन बना रहा हूँ उस हर एलिमेंट के साथ उस सेट में, फर्स्ट एलिमेंट की हर एलिमेंट बाकी सब एलिमेंट्स के साथ ट्रांसपोजिशन बना रहा हूँ. यही कर रहा हूँ सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो जैसे मैंने अगर 1, 3, 2 को लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1, 3 और 1, 2. और इसी तरह 1, 2, 3 को लिखना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1, 2 और 1, 3. ओके, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस आ जाएगी. ओके, तो अब हमारे पास हर जो साइकिल है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करता. हर साइकिल को आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं. ओके, तो आपको जनरल मेथड भी बता दिया कि किस को अगर आपके पास एक साइकिल हो तो उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में कैसे लिखेंगे. ओके, तो अब हमारे पास
एक और बहुत अच्छा रिजल्ट था। रिजल्ट क्या कहता था? अगर आप एक साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखेंगे तो वो जो जितनी ट्रांसपोजिशंस आपको नीडेड होंगी, रिक्वायर्ड होंगी, वो या तो इवन नंबर होंगी या ऑड होंगी, राइट? अगर आप एक परम्यूटेशन को या एक साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखेंगे तो जितनी आपके पास ट्रांसपोजिशंस आएंगी वो या तो इवन नंबर होंगी या ऑड नंबर होंगी, राइट? इसमें ज्यादा एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक साइकिल से स्टार्ट किया, उसको कुछ ना कुछ परम्यूटेशंस और ट्रांसपोजिशंस में तो आप लिखेंगे ना। अब जाहिर है वो मतलब पॉजिटिव नंबर होंगी जितनी भी आएंगी, मतलब वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, जितनी भी होगी, लेकिन वो सब की सब जो हैं, जितनी भी ट्रांसपोजिशंस आएंगी तो वो या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। लेट्स से टू आपको रिक्वायर्ड है तो एक इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है, अगर आपको थ्री रिक्वायर्ड है तो ऑड है, राइट? सो जब भी आप इसको करेंगे, साइकिल को प्रोडक्ट ट्रांसपोजिशंस में लिखेंगे, तो या आपके पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस रिक्वायर्ड होंगी या ऑड। ये नहीं हो सकता कि एक ही आप साइकिल को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के भी फॉर्म में लिख सकते हैं और ऑड की भी, ये पॉसिबल नहीं है। या तो आपको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस रिक्वायर्ड होंगी या आपको ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस रिक्वायर्ड होंगी, दोनों एक वक्त में नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास थ्योरम था, इसको भी आप लास्ट स्लाइड्स में और लास्ट हमारे पास जो लेक्चर था उसमें देख सकते हैं, राइट? सो अब हमारे पास एक बहुत नाइस फ्रेमवर्क आ गया कि अगर हमारे पास एक परम्यूटेशन से हम स्टार्ट करें, राइट? इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकल्स, राइट? हर परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर हमारे पास एक साइकिल हो तो उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ठीक है? अब इस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए और सॉर्ट ऑफ ट्रांजिटिविटी को यूज करते हुए हमारे पास हर परम्यूटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिख सकते हैं। अब हमारे पास हर परम्यूटेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में आ गई, यानी हर परम्यूटेशन जो है वो बेसिकली टू साइकल्स की फॉर्म में आ गई है, राइट? साइकल्स हैं, सबकी लेंथ टू है, ओके? कोई भी परम्यूटेशन आप लेंगे उसको आप लिख सकते हैं, ओके? सो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में आ गई है हर परम्यूटेशन। तो लेकिन ये ट्रांसपोजिशंस जो हैं ये या तो इवन होंगी या ऑड होंगी, राइट? जितनी भी आपकी ट्रांसपोजिशंस यूज होंगी वो या इवन नंबर की होंगी या ऑड नंबर की होंगी। यहाँ पे हमारे पास ये थ्योरम ऊपर जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो यूज हो रहा है। तो जब जितनी आपकी ट्रांसपोजिशंस यूज होंगी या वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस यूज होंगी या ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस यूज होंगी, इसका मतलब है हमारे पास एक इवन परम्यूटेशन हो सकती है या ऑड परम्यूटेशन हो सकती है। इवन परम्यूटेशन क्या है और ऑड परम्यूटेशन क्या है? इवन परम्यूटेशन यह है कि अगर आप एक परम्यूटेशन को लें और उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस यूज होंगी वो इवन नंबर होंगी, यानी टू हो सकती हैं, फोर हो सकती हैं, सिक्स हो सकती हैं, एट हो सकती हैं। इसी तरह हमारे पास परम्यूटेशन को हम ऑड कहेंगे, अगर हम उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस में लिखें तो हमारे पास जितनी परम्यूटेशंस यूज हो रही हैं वो ऑड नंबर हो, जैसे थ्री हो सकती है, वन हो सकती है, थ्री हो सकती है, फाइव हो सकती है, सेवन, नाइन, इसी तरह कोई भी ऑड नंबर हो सकता है लेकिन होंगी ऑड ही। तो हमारे पास ये जैसे थ्योरम से नोन है कि या परम्यूटेशन इवन होगी या ऑड होगी, इसके दरमियान वाली कोई सिचुएशन नहीं है,
ये पॉसिबल नहीं है कि परम्यूटेशन इवन भी हो ऑड भी हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। परम्यूटेशन या तो इवन होगी या ऑड होगी, इसके दरमियान में कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप परम्यूटेशंस लें सारी, तो इस आप उसको परम्यूटेशंस का जो सेट है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, राइट। तो हमारे पास एक सेट में इवन परम्यूटेशंस आएंगी और एक सेट में ऑड परम्यूटेशंस आएंगे, राइट। तो इन दोनों का अगर आप यूनियन करेंगे तो आपके पास सेट ऑफ परम्यूटेशंस वापस आ जाएगा, क्योंकि एक परम्यूटेशन या इवन है या ऑड है तो वो एक ना एक सेट में जरूर होगी। तो जब आप यूनियन करेंगे तो आपके पास पूरा का सेट ऑफ परम्यूटेशंस वापस आ जाएगा, राइट। अब हमने कहा कि ये जो इवन परम्यूटेशंस और ऑड परम्यूटेशंस का जो कॉन्सेप्ट दिया इसको हम यूज करते हैं, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। हमारे पास जब भी एक ग्रुप होता है, ये भी लास्ट क्लास में हम इसके बारे में थोड़ी बात कर चुके हैं, जब भी हमारे पास एक ग्रुप होता है उसके हम सब ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हम इसमें इंटरेस्टेड भी हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, लेट्स से कोई बहुत बड़ा सेट है। अब वो बहुत बड़ा सेट तो ग्रुप बन गया, लेकिन हम इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि अगर मैं उसमें से कोई स्मॉलर सेट्स लूं तो क्या वो ग्रुप्स बनेंगे। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई स्मॉलर सेट है उससे हमारा हमारा जो पर्पस सॉल्व हो जाता है, तो शायद हम बिगर सेट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हम अपना वर्कलोड जो है जितना मिनिमम हो सके उतना हम करना चाहेंगे। तो अब हमारे पास सब ग्रुप्स जो हैं किसी भी ग्रुप्स के, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं, और कुछ हम आगे जाके देखेंगे भी कि इसमें सब ग्रुप्स क्यों हम यूज करते हैं, राइट। तो सब ग्रुप जैसे आपको पता है कि वो क्या है, एक सबसेट है, और वो सबसेट खुद भी ग्रुप होना चाहिए। अब हम कुछ सब ग्रुप्स की बात करना चाह रहे हैं सिमेट्रिक ग्रुप्स के, और ये सब ग्रुप्स बहुत स्पेशल हैं। अभी तक हमने लेट्स से कोई एक आध अगर सब ग्रुप देखा भी है SN का, वो ट्रिवियल है। अगर हम SN के सब ग्रुप्स की बात करना शुरू करें तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन तो सब ग्रुप होगी, और SN खुद भी अपना सब ग्रुप होगा, ठीक है, सब ग्रुप्स ऑफ SN। इसके अलावा हमने कोई ऐसा बहुत ज्यादा सब ग्रुप्स की बात नहीं की ग्रुप SN के। हम ये कह सकते हैं कि D3 जो है वो भी एक सब ग्रुप है S3 का, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि लेट्स से D3 हमने नहीं कहा, D6 का इसको, D8 जो है, अब ये D8 में परम्यूटेशंस आ रही हैं 4 एलिमेंट्स की, तो हम लेट्स से कह सकते हैं कि ये सब ग्रुप है S4 का, राइट। तो इसमें मतलब आप चेक कर सकते हैं ये क्या ऐसा ट्रू है या नहीं। तो D8 जो है वो सब ग्रुप है S4 का प्रोबेबली। अब ये आपने ये चेक करना है कि हमारे पास जो जितनी भी परम्यूटेशंस D8 में आ रही हैं वो एक्चुअली S4 में भी हैं, लेकिन ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए क्योंकि S4 में 4 एलिमेंट्स की सारी परम्यूटेशन आ रही हैं। तो D8 क्या है, D8 भी बेसिकली परम्यूटेशन है 4 एलिमेंट्स की, लेकिन वो स्पेशल हैं क्योंकि वो सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड हैं, लेकिन हैं तो वो परम्यूटेशन ही 4 एलिमेंट्स की, तो वो डेफिनेटली S4 में भी होंगी। और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि D8 जो है वो S4, D8 जो है वो खुद एक ग्रुप है, राइट, वही ऑपरेशन है जो S4 के ऊपर है। तो D8 जो है वो सब ग्रुप होगा S4 का, और इसी तरह इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि D2N जो है वो सब ग्रुप है SN का, राइट। तो ये हम इसके अलावा अभी तक हमें इसके कोई सब ग्रुप्स नजर नहीं आए, लेकिन जो हम नया सब ग्रुप डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको हमने अल्टरनेटिंग ग्रुप कहा है, ये SN का एक सब ग्रुप है, और ये बहुत ही स्पेशल सब ग्रुप है। ये आपके हर N के लिए एग्जिस्ट करता है, और इसमें एग्जैक्टली हाफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जितने SN में, राइट। तो अब हमारे पास अगर SN के अंदर आपको पता है कि N फैक्टोरियल एलिमेंट्स हैं, इनमें से N फैक्टोरियल ओवर 2 जो हैं वो इवन है, और N फैक्टोरियल ओवर 2 ही ऑड हैं, राइट। तो अगर मैं एक सेट बनाऊं जिसको मैं AN कहूं,
एन में मैं क्या करता हूं, ये है सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस। क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ एस एन, राइट। तो आधी इवन परम्यूटेशंस हैं, आधी ऑड हैं, तो जो हाफ ऑफ द सेट है ना वो उसको हमने इसमें लिख दिया। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा इवन होती है और इसके अलावा बाकी सारी इवन परम्यूटेशंस जो हैं वो मैंने ए एन के अंदर लिख दी हैं। ओके, तो अब ए एन जो है ये एक सेट बन चुका है हमारे पास, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है, राइट। तो मेरे पास एक सेट आ चुका है ए एन, राइट। सो आपको पता है ये ए एन, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा है कि सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है अगर मैं इसको ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, तो इसके ऊपर मुझे एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। अगर एक बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर मुझे मिल जाता है तो मैं इसको इसके ग्रुप होने के बारे में बात कर सकता हूं। तो इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन मैं डिफाइन करता हूं, वही यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन है जो एस एन के ऊपर है, राइट। तो क्या है, हमारे पास दो परम्यूटेशन हो, लेट्स से रो वन और रो टू, तो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो रो वन कंपोजिशन रो टू कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, ये मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट के ऊपर। अब मेरे पास कोई भी दो परम्यूटेशंस हैं उसकी कंपोजिशन करनी है, तो आपके पास बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा। सेट है, बाइनरी ऑपरेशन है, इसको मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, इसको ग्रुप बनाना है, तो इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं तीन वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीन प्रॉपर्टीज क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए एन शुड बी एसोसिएटेड, ठीक है। अब ए एन के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव होने चाहिए, लेकिन ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये बहुत ट्रिवियल कंडीशन है, वो इसलिए कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो हमेशा एसोसिएटिव होती है। परम्यूटेशंस भी फंक्शंस हैं, तो इनकी जो कंपोजिशन है वो भी हमेशा एसोसिएटिव ही होगी, राइट। और इसी तरह दूसरी रीजन ये है कि एस एन जो है उसके ऊपर कंपोजिशन जो है ऑलरेडी एसोसिएटिव है, तो ए एन जो है वो सबसेट है एस एन का, तो इसके ऊपर भी एसोसिएटिव होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एलिमेंट्स जो हैं वो एसोसिएटिव होने चाहिए, ये एक बहुत ट्रिवियल कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी ए एन में होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट शुड बी इन ए एन, राइट। लेकिन ए एन जो है उसमें सारी इवन परम्यूटेशन है, हमने कहा है कि आइडेंटिटी जो है वो एक इवन परम्यूटेशन है, आइडेंटिटी क्या है एक इवन परम्यूटेशन है, तो इसलिए आइडेंटिटी जो है वो हमेशा ए एन में होगी। और फाइनल जो है वो हमारे पास थोड़ी सी लेंथी ऑफ कोर्स कंडीशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एन शुड हैव एन इनवर्स इन ए एन, राइट। सो ये तीन कंडीशंस हैं ग्रुप की। अब इस तीन में आपके पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन मौजूद है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी ए एन के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। उसके डिफाइन होने का बाय डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन के डिफाइन होने का ये मतलब है कि अगर आप दो एलिमेंट्स लें ए एन में से या किसी भी सेट में से, तो उनका उनके ऊपर जब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो रिजल्ट भी उसी सेट में आना चाहिए। ये बाइनरी ऑपरेशन की बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। तो ये तीन कंडीशंस अगर आप चेक कर लें, ये ट्रू भी हो, लेकिन फाइनल जो फर्स्ट कंडीशन, लेट्स से आप कहें कि ये बाइनरी ऑपरेशन ही अगर इस सेट के ऊपर नहीं बना रहा तो ये ग्रुप नहीं होगा, राइट। सो ये फर्स्ट कंडीशन जो है ये बहुत क्रूशल है कि हमारे पास इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन पहले डिफाइंड होगा, फिर आप ये तीन कंडीशन चेक करेंगे। अगर बाइनरी ऑपरेशन ही डिफाइंड नहीं है
तो फिर इन तीन कंडीशंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रुप कभी बी नहीं बनाएगा, राइट। अब इसकी एक एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं एन की, तो उसमें देखते हैं कि ये कंडीशंस कैसे वर्क करती हैं। तो एज यूजुअल हम S3 के सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, A3। अब S3 आपको पता है, हम कई बार अब लिख चुके हैं, अब आपको डेफिनेटली याद भी हो गया होगा, आइडेंटिटी है इसमें, इसमें और कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 3, 2 है और 1, 2, 3 है और 2, 3 है और 1, 3 है और 1, 2 है, राइट। ये हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं S3 के अंदर। अब S3 के ये तीनों, ये सॉरी S3 के अंदर ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब इनमें से ये देखना है कि कौन से इवन हैं और कौन से ऑड हैं। आइडेंटिटी जो है वो इवन है, राइट। ये भी एक्सरसाइज हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, तकरीबन हमने कंप्लीट कर दी थी। 1, 3, 2 जो है, अब हर साइकिल जो है उसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, राइट। इसकी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या है, 1, 3 है और 1, 2 है, राइट। अब ये इसकी प्रोडक्ट है, ओके। अब इसमें दो साइकिल्स यूज हो रहे हैं, दो ट्रांसपोजिशंस यूज हो रही हैं, 2 जो है वो एक इवन नंबर है तो ये इवन है। इसके बाद हमारे पास 1, 2, 3 की अगर बात करूं, तो 1, 2, 3 को आप लिख सकते हैं 1, 3 और 1, 2, सॉरी 1, 2 और 1, 3 लिखना चाहिए मुझे, जो कन्वेंशन है उसको फॉलो करना चाहिए, 1, 2 और 1, 3। इसके अंदर कितनी परमुटेशन यूज हो रही हैं, ट्रांसपोजिशन यूज हो रही हैं, 2, तो 2 भी एक इवन नंबर है, राइट। इसके बाद अगर बात करूं 2, 3 को, तो 2, 3 ऑलरेडी एक ट्रांसपोजिशन है, तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होगी, 2, 3, राइट। सो ये ऑड है, इसमें सिर्फ एक ट्रांसपोजिशन यूज हो रही है। इसी तरह मेरे पास 1, 3 जो है वो भी ऑड है, राइट, क्योंकि ये जस्ट वन ट्रांसपोजिशन यूज हो रही है इसमें, राइट। 1, 2 जो है वो भी ऑड होगा हमारे पास, ओके। तो ये आपके पास, आपने देख लिया कि 6 एलिमेंट्स थे, उनमें से एग्जैक्टली हाफ यानी 3 जो है वो इवन है और एग्जैक्टली हाफ 3 जो है वो ऑड है। तो अगर आपने एक सेट बनाना है A3, उसके अंदर आपके कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आइडेंटिटी आएगी, आपके पास एलिमेंट आएगा 1, 3, 2 और आपके पास एलिमेंट आएगा 1, 2, 3, ओके। तो ये आपके पास एक A3 है जो सेट ऑफ परमुटेशंस बन गया इवन परमुटेशंस का, राइट। अब A3 जो है ये आपके पास सेट है, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन वही है जो बाइनरी ऑपरेशन आपके पास है S3 के ऊपर, यानी कंपोजिशन ऑफ ट्रांसपोजिशंस, सॉरी कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस। अब हमारे पास A3 जो है वो सेट आ गया है आइडेंटिटी 1, 3, 2 और 1, 2, 3, ठीक है। अब इस सेट को अगर मैं लेके चलूं, तो इसके ऊपर मैंने कंडीशंस चेक करनी है कि क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं। अब पहली कंडीशन मैं क्या चेक करूंगा कि इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइंड है या नहीं। अगर बाइनरी ऑपरेशन ही डिफाइंड नहीं है तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आइडेंटिटी को आप किसी भी परमुटेशन से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही परमुटेशन वापस आ जाएगी, इसको आपको चेक करने की हाजत नहीं है। अब हमारे पास ये दो परमुटेशन हैं, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अब हमारे पास 1, 3, 2 है और 1, 2, 3 है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा, पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट पे 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है और नेक्स्ट में आप देखेंगे तो 3 जो है वो 1 पे मैप होगा, तो 1 जो है वो 1 पे ही मैप होगा। तो ऐसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 और 1, 1 पे मैप होगा, ओके। अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो 2 से स्टार्ट करें, फर्स्ट परमुटेशन में 2 किस पे मैप हो रहा है, 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, राइट। सो 2, 1 पे मैप हो रहा है और सेकेंड 1 में 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो इन द एंड 2 जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम 3 की बात करें, तो 3 जो है फर्स्ट परमुटेशन में 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है और सेकंड में 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो इन द एंड जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। तो आपके पास ये आइडेंटिटी परमुटेशन आ गया,
तो ये डेफिनेटली A3 में मौजूद है. ओके तो आपने चेक किया आइडेंटिटी का, इनके साथ प्रोडक्ट लेंगे तो ये इसी सेट में आएगा. इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास वो भी इसी सेट में है, तो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्लोज्ड है अंडर अंडर कंपोजिशन. आपको ये भी चेक करना चाहिए 1 2 3 और 1 3 2 जो है वो भी इसी सेट में, लेकिन ये भी आपके पास आइडेंटिटी आएगा और ये भी A3 में मौजूद है. ओके तो बाइनरी ऑपरेशन तो डेफिनेटली इस सेट के ऊपर डिफाइंड है. अब सेकंड कंडीशन ये है कि एसोसिएटिविटी चेक करनी है, लेकिन एसोसिएटिविटी जो है वो ट्रिवियल है क्योंकि हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो एसोसिएटिव होती है, तो इस सेट में भी एसोसिएटिव होंगे ये एलिमेंट्स एसोसिएटिव. सो कंपोजिशन जो है वो एसोसिएटिव है परमुटेशंस की, सो ये ट्रिवियल है, राइट. सो अब हमारे पास थर्ड कंडीशन ये है कि आप परमुटेशंस लें, सॉरी इस सेट के अंदर जो है आइडेंटिटी परमुटेशंस भी मौजूद होनी चाहिए. ओके आइडेंटिटी परमुटेशन इस सेट में मौजूद होनी चाहिए, तो आइडेंटिटी जो है वो I3 में मौजूद है, और ये आइडेंटिटी को आप किसी भी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा. इसको आप चेक कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है. और फोर्थ में ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंडीशन है वो ये कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसी सेट में मौजूद होना चाहिए. हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो भी इसी सेट में मौजूद होना चाहिए. अब आइडेंटिटी जो है वो खुद अपना इन्वर्स है, ठीक है. तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा. अब 1 3 2 जो है नेक्स्ट एलिमेंट है, इसका क्या इन्वर्स होगा? इसका इन्वर्स आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो आंसर है वो यही एलिमेंट वापस आ जाएगा. तो ये तो इन्वर्स की डेफिनेशन नहीं है. इन्वर्स तो ऐसा एलिमेंट होता है जब इसके साथ मैं उसको इस केस में कंपोजिशन लूं तो मेरे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए, राइट. तो इन्वर्स जो है वो कैंसिल कर देता है इफेक्ट के किसी भी एलिमेंट के, राइट. तो अब हमारे पास ये 1 3 2 है, इसका इसके तीन पॉसिबल इन्वर्स हो सकते हैं. आइडेंटिटी वो इन्वर्स नहीं हो सकता, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये एलिमेंट खुद अपना इन्वर्स हो सकता है, या 1 2 3 इसका इन्वर्स हो सकता है. अब आपने ये देखा कि ये ऊपर हमने चेक किया कि 1 3 2 और 1 2 3 अगर हमने किया तो 1 3 2 को 1 2 3 से अगर आप कंपोज करें तो आपके पास आंसर आता है आइडेंटिटी. इसी तरह 1 2 3 को 1 3 2 से कंपोज करें तो आंसर आता है आइडेंटिटी. इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 जो है वो 1 3 2 का इन्वर्स है, इसी तरह 1 3 2 जो है वो 1 2 3 का इन्वर्स है. तो इन दोनों एलिमेंट्स का इन्वर्स इस सेट में मौजूद है. आपको यहाँ पे क्लोजर में ये भी चेक करना चाहिए कि इस एलिमेंट को खुद से मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या रिजल्ट आता है. तो आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर 1 3 2 को मैं 1 3 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो इसी सेट में आएगा, राइट. तो इसमें और भी ऑप्शंस हैं क्लोजर में, वो सारी आपको चेक करनी होंगी. जैसे एक और मैं अगर आपको चेक करके बताऊं तो 1 3 2 को अगर आप 1 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 goes to 3 एंड 3 goes to 2, सो 1 goes to 2. इसी तरह 2 goes to 1 एंड 1 goes to 3, सो 2 goes to 3 एंड फाइनली 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1, सो 3 goes to 1. तो ये आपके पास आ गया एलिमेंट्स 1 2 और 1 goes to 2 2 goes to 3 and 3 goes to 1, सो 1 2 3. 1 3 2 को आपस में दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, राइट. इसी तरह आप बाकी भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप 1 2 3 को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 3 2 आ जाएगा. ओके तो ये आपके पास ये एलिमेंट्स जो हैं इस सेट के क्लोज भी हैं, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है. तो इसका मतलब ये हुआ कि A3 जो है वो एक ग्रुप है, राइट. A3 एक ग्रुप है. अब A3 जो है ये एक सबसेट है S3 का, और A3 जो है वो खुद भी ग्रुप है और बाइनरी ऑपरेशन वही है जो S3 के ऊपर है. इसका मतलब है A3 जो है वो एक सब ग्रुप है S3 का, राइट. A3 जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ S3, राइट.
तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गई. एक एग्जांपल आ गई एस थ्री के सब ग्रुप की. ए थ्री जो है वो ये अल्टरनेटिंग ग्रुप है और ये सब ग्रुप है एस थ्री का. ओके, ए थ्री हमारे पास एक अल्टरनेटिंग ग्रुप है और ये सब ग्रुप है एस थ्री का. ओके, अब हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप हमने फाइंड कर लिया एस थ्री के लिए. अब इसके बाद हमारे पास अगर कोई और एग्जांपल देखना चाहें तो आपको ए फोर अगर आप फाइंड करना चाहें तो ए फोर जो है अगेन इस ये सब ग्रुप होगा एस फोर का, राइट. तो ए फोर जो है वो है सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस. Permutations of S4, right? अब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? Well, आपको सारे एलिमेंट्स पहले से नोन होंगे S4 के, तो फिर उसमें से आप इवन एलिमेंट्स निकालेंगे और ऑड एलिमेंट्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि A4 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक दो एलिमेंट्स तो हम इसमें लेट्स से लिख सकते हैं 1, 2 और 3, 4. ये एक डेफिनेटली एलिमेंट है A4 का और ये सेट में आएगा क्योंकि इसमें दो परम्यूटेशन दो ट्रांसपोजिशन यूज हो रही हैं, ये इवन एलिमेंट. इसके अलावा भी आप कुछ एलिमेंट्स तो लिख ही सकते हैं. लेट्स से आपके पास एलिमेंट है 1, 3 और 2, 4. आप अगर कोई और एलिमेंट लिखना चाहें तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके पास हो जाए 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4. अब हमारे पास आ जाएगा लेट्स से 1, 4 और 2, 3. ओके, आई थिंक एक और एलिमेंट आप इस फॉर्म का लिख सकते हैं 1, 4 और 2, 3 और 1, 3, 2, 4. अब हमारे पास ये हो सकता है कि 1 goes to 2, 1 goes to 3, 1 goes to 4. दैट्स इट. इसमें आप ये कर सकते हैं. इसके अलावा ये एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे इसके अंदर 1, 2, सॉरी ये एलिमेंट ऑड है, सॉरी ये इस सेट में नहीं आएगा. इसी तरह आप मतलब इसमें 12 एलिमेंट्स हैं. इसको आप उस वक्त तक हम फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास S4 के सारे एलिमेंट्स नोन ना हो. तो ये आपके पास आपने अगर आप पहली एक्सरसाइज कर रखी है जो मैंने आपको दी थी कि आप एक्सरसाइज ये है कि आप S4 के सारे एलिमेंट्स लिखें और शो करें वो एक ग्रुप है. अगर आपने वो एक्सरसाइज कर की है तो इसमें आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि आप ए फोर के सारे एलिमेंट्स लिखें, राइट. तो ये जैसे मैंने कहा ये मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है. इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा. तो हमारे लेक्चर में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए हम ये लेंथी एग्जाम्पल जो हैं ये नहीं कर सकते. लेकिन आप इसको अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ए फोर जो है ये एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है और इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व नहीं है. 12 एलिमेंट्स हैं इसमें और जब आप उन 12 एलिमेंट्स को लिख लेंगे तो उसको ग्रुप प्रूफ करना इतना मुश्किल नहीं है. ओके, तो ए फोर जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप है. ए फोर जो है वो एक सब ग्रुप है एस फोर का, राइट. और ए फोर जो है वो क्या है? अल्टरनेटिंग ग्रुप. तो ये हमारे पास हर स्प्लिट ग्रुप का एक हमारे पास एक और सब ग्रुप हमें मिल रहा है जिसको हम अल्टरनेटिंग ग्रुप कह रहे हैं. और वो क्या है? ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन, ऑल इवन परम्यूटेशंस, राइट. अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हमारे पास इवन परम्यूटेशंस हमने ली तो उसका जो सेट है वो एक ग्रुप बनाता है, तो क्या हम ऑड परम्यूटेशंस का सेट लेके एक ग्रुप बना सकते हैं? तो अगर हम S3 के लिए बात करें तो ये ऑड परम्यूटेशंस का अगर हम सेट लें, ओके, ऑड परम्यूटेशंस का मैंने सेट लिया तो मेरे पास ये सेट आएगा 2, 3 और 1, 3 और 1, 2. ये तीन एलिमेंट्स आएंगे ऑड परम्यूटेशंस के सेट में. S3 की बात हो रही है. अब ये तीन एलिमेंट्स क्या ग्रुप बना सकते हैं? वेल, आपको इस सेट को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा. इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इसके अलावा हम कोई भी चीज़ ना चेक करें
लेकिन इसका सबसे इनिशियल प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो हमें नजर आ रहा है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है। S3 के अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है S3 का, वो इसमें मौजूद नहीं है। तो ये सेट जो है ये कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट। तो ये ऑड परमुटेशन का जो सेट है, इट्स नॉट अ ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप नहीं है तो सब ग्रुप भी नहीं है। तो इवन परमुटेशन का जो जो सब ग्रुप है, जो सब सेट है, वही सिर्फ ग्रुप बनाएगा। हमारे पास ऑड परमुटेशन जो है वो ग्रुप नहीं बनाएंगी। ओके, तो ये हमारे पास एक क्लैरिफिकेशन है ऑड परमुटेशन के लिए। इसके अलावा एक और ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये हो सकती है कि हम D8 ग्रुप लें। हमारे पास अगर ग्रुप है D8, तो D8 हम आपके पास नोन है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स भी आपको नोन है। तो D8 की अगर हम एग्जांपल को स्टार्ट करें और इसमें देखें कि इवन परमुटेशंस कौन सी हैं और ऑड परमुटेशंस कौन सी हैं, तो इवन परमुटेशंस का अगर D8 में से हम सेट बनाएं, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि D8 की जो इवन परमुटेशंस हैं, क्या वो एक सब ग्रुप बनाएंगी या नहीं। तो D8 में आपके एलिमेंट्स जो हैं उनको अगर आप लिखें, तो वह एलिमेंट्स आपके पास होंगे आइडेंटिटी। इसके अलावा D8 में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? D8 जैसे आपको पता है सिमेट्रीज हैं स्क्वायर की, रोटेशनल और रिफ्लेक्शन। तो आपके पास ये एलिमेंट डेफिनेटली उसमें आएगा, 1 और 1, 2, 3, 4, दैट्स इट। इसके बाद एक एलिमेंट इसमें ये आ सकता है कि 1, 4 और 1 goes to 4 एंड देन 4, 1, ओके, सो लेट मी राइट दिस एलिमेंट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, सो 4 और देन 1, 2, 3, सो 1 goes to 4 एंड 4 goes to 3, 1, 4, 3, 2। इसके अलावा एक एलिमेंट इसमें ये हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 एंड देन वी कैन राइट इट एज 3, 4, 1, 2, सो 1 goes to 3 एंड 1 goes to 3 एंड 3 goes to 1 और 2 goes to 4 एंड 4 goes to 2, सो 2, 4, राइट। इसके अलावा क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? इसके अलावा एलिमेंट्स हो सकते हैं कि आपके पास इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं D8 में, 1, 2, 3, 4, और आप अगर चेंज करें 1 और 3 को आपस में, या सो 1 और 3 को आपस में चेंज कर लें और 2 और 4 को चेंज कर लें, राइट। सो हमारे पास अगर वर्सेस हैं 1, 2, 3 और 4, सो 2 और 3 को आपस में चेंज करें और 1 और 4 को आपस में चेंज करें, 2 और 3 को आपस में चेंज करें, तो आपके पास आ जाएगा 2 goes to 3 एंड 3 goes to 2 और 1 goes to 4 एंड 4 goes to 1। सो इसको अगर आप यहाँ ट्रांसफॉर्म करें तो आपके पास आ जाएगा 1, 4 और इसके साथ आ जाएगा 2, 3। ओके, इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? इसके अलावा एलिमेंट्स हो सकते हैं अगर आप 1 को 2 से इंटरचेंज करें और 3 को 4 से करें, राइट। सो 1, 2 और 3, 4, राइट। इसके अलावा दो और हैं, दो और एलिमेंट्स क्या हैं? आप 1 और 3 को फिक्स करें तो आपके पास आ जाएगा 2 और 4, और फाइनली अगर आप फिक्स करें 2 और 4 को फिक्स करें तो आपके पास आ जाएगा 1 और 3। तो ये आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं D8 के अंदर, राइट। तो इसको मैं, इसको यहाँ से मैं अरेज कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जो है इस सेट के एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब इसमें से इवन कौन से हैं और ऑड कौन से हैं, ये हमने देखना है। अब हमारे पास जो ए
A4 इसको नहीं कह सकते, लेकिन लेट्स से हम A4 टिल्डा कह देते हैं। इसका मतलब है D8 में से जो हम इवन परम्यूटेशंस ले रहे हैं वो क्या होंगी, वो होंगी आइडेंटिटीज में आएगी। इसके अंदर आएगा ये एलिमेंट डेफिनेटली आएगा 1 3 और 2 4, इसके अलावा ये एलिमेंट भी डेफिनेटली आएगा 1 4 और 2 3, और एक और एलिमेंट आएगा 1 2 और 3 4। ओके, अब ये आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं जो A4 टिल्डा के अंदर आ रहे हैं। अब बाकी आप सारे एलिमेंट्स को चेक कर लें, ये एलिमेंट्स भी ऑड है, ये एलिमेंट भी ऑड है, और ये दोनों एलिमेंट जो है ये 3 ट्रांसपोजिशंस की प्रोडक्ट में आएंगे तो ये भी ऑड है। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर जो इवन है, 4 एलिमेंट्स इस सेट के अंदर इवन है। तो इन सब एलिमेंट्स को अगर आप चेक करें तो एक्सरसाइज आपके लिए ये है कि चेक वेदर A4 टिल्डा इज अ ग्रुप आर नॉट। ठीक है, अगर आप ये चेक नहीं कर सकेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूंगा कि A4 टिल्डा ग्रुप बनाता है या नहीं। ओके, तो आपने ये चेक करना है कि ये A4 टिल्डा जो है एक ग्रुप बनाता है या नहीं। तो इस पे मैं आज की अल्टरनेटिंग ग्रुप की जो डिस्कशन है इसको क्लोज करता हूँ। तो हमने S4 लिया और उसके अल्टरनेटिंग ग्रुप्स फाइंड किए हैं, राइट? तो मतलब उसके सब ग्रुप्स कुछ फाइंड करने की कोशिश की हमने, और सब ग्रुप्स क्या हैं उनको हमने स्पेशल नाम दिया है, उनको अल्टरनेटिंग ग्रुप का। तो आज का लेक्चर समराइज करके हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी डिस्कशन को थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर हम इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स की बात करेंगे, राइट? ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने पहले रिवीजन की, परम्यूटेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दिए। ये परम्यूटेशन ग्रुप्स क्या होते हैं, उनके साइकिल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोजिशंस क्या होती हैं, फिर परम्यूटेशंस को हम ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और इसी तरह इवन ऑड परम्यूटेशंस क्या होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज किए। फिर उसके बाद हमने बात की कि अगर आपके पास ग्रुप है SN, उसके अंदर हाफ जो है वो इवन परम्यूटेशंस है, हाफ ऑड है। आप जो इवन परम्यूटेशंस है उसको एक सेट में लिखें और आप उस सेट को आप चेक करें कि क्या वो ग्रुप बनाता है या नहीं। तो हमने ये चेक किया कि जो AN हमने उस सेट को कहा जिसमें सारी की सारी इवन परम्यूटेशंस रखी हमने SN में से, तो वो एक ग्रुप बनाता है और ये सब ग्रुप है SN का, और इस ग्रुप को हमने अल्टरनेटिंग ग्रुप कहा है, राइट? सो अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या है, हमारे पास एक सब ग्रुप है SN का जिसमें सारी इवन परम्यूटेशंस हमने लिखी है। फिर उसके बाद हमने A3 की एग्जांपल देखी, A4 की एग्जांपल मैंने स्टार्ट की, लेकिन उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो आपको नॉन हैं तो वो आप उनको एक सेट में लिख के ये चेक करें क्या वो ग्रुप बनाता है या नहीं। ओके, तो इसके बाद हमने ये बात की कि अल्टरनेटिंग ग्रुप ये हो गया कि इवन परम्यूटेशंस को हमने एक सेट में लिखा। तो फिर हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ऑड परम्यूटेशंस वो ग्रुप बनाती हैं। हमने ऑड परम्यूटेशंस का जब सेट लिखा तो हमारे पास एक बहुत अहम प्रॉब्लम जो है वो ये आ गई कि जब भी ऑड परम्यूटेशंस लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन उस सेट में नहीं आएगी। तो ऑड परम्यूटेशंस का जो सेट है वो कभी भी सब ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट? तो हमारे पास इवन परम्यूटेशंस का जो सेट है वो तो ग्रुप बनाएगा और सब ग्रुप भी होगा, लेकिन ऑड परम्यूटेशंस का जो सेट है वो ग्रुप नहीं बनाएगा, राइट? तो अब इसके बाद हमने SN के तो अल्टरनेटिंग सब ग्रुप्स की बात कर ली। फिर मैंने कहा कि D2N जो हमारे पास सेट है उसके अल्टरनेटिंग सब ग्रुप्स क्या कोई ऐसी सेंस बनती है कि उसके भी कुछ अल्टरनेटिंग सब ग्रुप हों। तो फिर हमने A4 टिल्डा एक सेट बनाया जिसमें हमने D8 के सारी इवन परम्यूटेशंस लिखी, और ये आपकी एक्सरसाइज है कि आप ये चेक करें कि क्या वो ग्रुप बनाता है या नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे अगर आप ना कर सके, और इसके साथ साथ हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिनको हम साइक्लिक ग्रुप्स कहते हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं और उनकी भी एप्लीकेशंस आगे जाके बहुत ज़्यादा आएंगी। तो हम इंशाल्लाह इस डिस्कशन को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो
Thank you very much for your time, and I'll see you again in the next lecture.